भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 जनवरी से 26 मार्च तक प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भाजपा द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में राजीव सैजल ने कहा कि इसके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी जिसका शुल्क 1500 रुपये होगा। इसके तहत लोगों को अयोध्या में दर्शन के अलावा अन्य स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं और इस पार्लियामेंट में एक और जिला जुड़ जाता है, किन्नौर जिला, हमारे 4 जिले जो हैं कालका से आस्था ट्रेन के माध्यम से भक्तों को ले जाने की व्यवस्था अयोध्या की होगी। 1500 रुपया शुल्क है, आने जाने का, खाने का सब शुल्क इसी में शामिल है और वहाँ श्री राम जी के दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है, वहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनके द्वारा की गई है। अयोध्या भ्रमण और वहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनको भी दर्शन की व्यवस्था जो है वो पार्टी ने करवाने की व्यवस्था की है। जिस ट्रेन से राम भक्त जाएंगे उसी ट्रेन से वापिस आएंगे। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने से लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्णा लैब बंद होने से लोगों को टेस्ट करवाने के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ जो टेस्ट होते हैं और छोटे मोटे जो रिएजेंट्स वहाँ पर टेस्ट के लिए जो है जो होने चाहिए जिसके माध्यम से टेस्ट संपन्न होते हैं और जो सामान्य से इक्विपमेंट जो उस डिपार्टमेंट में उन टेस्ट को करने के लिए हमको चाहिए होते हैं तो ये रिएजेंट्स और ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे सामान्य और छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें भी जो है आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों में जिसके कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो है नहीं मिल रही, बाहर से लोगों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है।